मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऐलान के बाद चन्नौई जगहों को अब जो है किसानों ने जो है जो अतिक्रमण किया था वहीं पर लोग जागृत हुए हैं। उन्होंने आज जो है बेलहरा पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पर जो है तहसीलदार ने कहा है बहुत ही जल्दी जो है अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं पर लोगों ने रामधुन से लेकर भगवान का भजन भी किया है और वहीं पर भजन करते हुए जो है ज्ञापन भी दिया है। तुम तक न्यूज पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हम मौजूद है, कहते हैं कि इस समय पर जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो पैगाम चल रहा है जिसके चलते हुए एक बार फिर जो चन्नौई जगह है जहां अतिक्रमण किया था और हमने खबर भी दिखाई थी, लेकिन ये लोग नहीं माने हैं। तहसीली बिलहरा में पहुंचे उप तहसीली में और ज्ञापन भी दिया है तहसीलदार को। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजस्व एवं यहाँ जो मंत्री है खाद्य आपूर्ति नागरिक आपूर्ति मंत्री यहाँ पर गोविंद राजपूत, इनका बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। हम आपको बता रहे विशेष खबर में, कहीं ना कहीं यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पैगाम चल रहा है। वहीं पर मंत्री का यह क्षेत्र है, यहाँ महुआखेड़ा गांव के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज ज्ञापन का क्या उद्देश्य है, क्यों आए आप ज्ञापन देने? क्योंकि चरनोई भूमि है, गौचर भूमि है, उस पर अतिक्रमण कर दिया है। उसको पानी पीवे के लाने जगह नहीं मिली, घाटों में अतिक्रमण है, पूरे उत्तर कांसे में टोटल जमीन पे लोग प्रतिदिन मर रही है। आपने एक दिन खबर भी दिखाई थी, हमने सोची खबर को असर ज़्यादा हुई है, लेकिन जब असर नहीं देखो तब हम लोग ज्ञापन देने आए। तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, ज्ञापन बताएं आप मुझे यहाँ कैमरा मैन, क्या चाहते दादा आपके यहाँ अतिक्रमण? हम बच्चे जा रहे हैं गौ चर भूमि जो खसरा में जो दर्शाई जा रही है वो खाली कर। आज और एक दोनों और आपने गा दी, कौन सी दोनों गा दिया था? आज हमने दोनों गाई ईश्वर अल्लाह एक ही नाम सबको सहमति दे भगवान। गौ चर मेरे नारे मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, गौ चर भूमि मुक्त करो, मुक्त करो जी। आज फिर आए आप लोग यहाँ? हाँ, हम लोग आज फिर आए हैं कि हमारी गौचर भूमि जो गौचर भूमि है वो छुड़वाई जाए, गांव के बाहर से ही कब्जा है। क्या चाहते आप? इस पर प्रशासन को जोर देना चाहिए, प्रशासन की भूमि है, गौचर भूमि है, अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश मोहन यादव श्रीमान जी से यही निवेदन है, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, कार्रवाई करें। मंत्री का भी क्षेत्र है जी, मंत्री जी का भी। क्या चाहते हैं? मंत्री जी से भी हम लोगों को आशाएं हैं, सहयोग करेंगे, हम लोगों को पूरी आशाएं हैं और
कम से कम जो 200-300 एकड़ जमीन अतिक्रमण है उसको हटना चाहिए। और इस प्रकार से अतिक्रमण की कार्रवाई को जो है तहसीलदार ने कहा है कि अतिक्रमण बहुत जल्दी हटेगा और 15 दिन का समय भी इन लोगों ने नहीं कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि 15 दिन बाद अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। यही बात है ना, चक्का जाम करेंगे यही धरना देंगे, धरना देंगे यहीं पर, और हम गौ माता के प्रति धरना देंगे क्या करेंगे। वैसे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि गौचरण भूमि जो है खाली की जाए और जहां महुआ खेड़ा समेत पूरे मध्य प्रदेश में समय पर गौ माता परेशान है, लेकिन यहां के लोग जागृत हुए हैं और तहसीलदार को यहां पर ज्ञापन दिया है। तुम तक न्यूज की विशेष रिपोर्ट कालू खान के साथ राकेश तिवारी। अतिक्रमण हो गया है गौचर भूमि पर, जंगलों पर, आवागमन के रास्तों पर, नदी के घाटों पर, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए तक घाट खाली नहीं है नदी के, जबकि वो आज से नहीं, हम अपने मेरी उम्र 81 वर्ष हो गई है, इससे पहले से भी वो घाट खुले थे, जमीन कम से कम 400-500-700 एकड़ जमीन खुली थी जिसमें गांव के मवेशी चरते थे। अब जो पशुपालक हैं हमारे गांव के, जिनका सिर्फ धंधा पशुपालन ही है, कृषि नहीं है, भूमिहीन है, उनका रोजगार ठप हो गया है, उनके पास भी कोई रोजगार नहीं है, मवेशी मारे मारे फिर रहे हैं, रोज मवेशी इधर उधर मरते हैं सड़ते हैं, तो गाँव में बदबू गंदगी और बीमारी फैल रही है। और तो और अतिक्रमण श्मशानों पे भी हो गया है, मुर्दा मवेशी जिसको खदेले कहते हैं उस पे भी हो गया है। अतिक्रमण हटना चाहिए और सख्ती से हटना चाहिए। शासकीय भूमि हमारे गांव की, महुआ खेड़ा की और बेरखेरी मोजे की दोनों निस्तार पत्रक में शामिल है चरोखर, तो दोनों गांव का जो हमारा निस्तार पत्रक शामिल है, सन 1956 से जब अधिकार अभिलेख बना था तब से महुआ खेड़ा और बेरखेरी की चरोखर सोझ है। वो इस प्रकार से हम बता दें यहाँ पर जो है अतिक्रमण जो कहते हैं कि गौचरण की जगह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो एक फरमान निकला था कि चन्नोई जगह को जो है अतिक्रमण हटाया जाएगा, महुआ खेड़ा गांव के जिन हमने खबर दिखाई थी जिन्होंने रामधुन ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान समेत कई जो है उन्होंने भगवान की प्रस्तुति की थी, लेकिन आज हमारे बीच में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ये सभी लोग खड़े हुए हैं। हम बात करते हैं क्या परेशानी थी, थी कि नहीं है, है, और है, है। अभी दादा क्या कहना चाहते हैं, कहना चाहते गौचर की भूमि मुक्त की जाए सर। और इस प्रकार से गौचरण की जगह को लेकर जहां पर तहसीलदार महोदय मौजूद हैं, हम बात करते हैं कि क्या कदम उठाएंगे। सर आज ये महुआ खेड़ा का जो आपके पास ज्ञापन आया है और जहां गौ माताओं को कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, क्या कदम उठाएंगे सर? आज ये ग्रामीणों जन द्वारा ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, इसके संबंध में शीघ्र ही जाँच कर जिनका भी कब्जा पाया जाएगा नियम विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मुख्यमंत्री का भी चल रहा है कि चन्नोई जगह पर अतिक्रमण हटाया जाए, सर इसमें आपके जैसी नगर अगर इसके एरिया की बात की जाए कई जगह ऐसी समस्याएं आ रही है, क्या कदम है सर आगे? जहाँ भी ये इस तरीके के कब्जे पाए जाएंगे उनको नियम अनुसार सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से अब चन्नोई जगह पर जिनका कब्जा होगा और जैसी नगर तहसीलदार राठौर साहब का कहना है कि सभी का भी अतिक्रमण हटाया जाएगा, यह महुआ खेड़ा गांव की एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। तुम तक न्यूज पर हम बता रहे हैं लोग एक बार फिर बलहरा तहसील में पहुंचे हैं और तहसील में पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, अब देखना है कब तक अतिक्रमण हटाएगा। तुम तक न्यूज की विशेष रिपोर्ट। अतिक्रमण न हटने पर क्या करेंगे? जो परेशानी है आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है सर, कभी गाय माता की पांव टूट रहा है तो कभी इंसानों के पांव टूट रहा है, घर पे वही कमाने वाले हैं वही चल फिर रहा है सर। ये देखिए गौ के लिए एक बड़ी मुहिम चली है, लोग कह रहे हैं कि अगर इस समस्या का हल नहीं निकलेगा तो हम चक्का जाम करेंगे, लेकिन एक बार फिर हम तहसीलदार महोदय के सामने मौजूद है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है सर, 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं किसान। जो भी समय सीमा है और जितना इसमें वैधानिक प्रक्रिया में टाइम लगेगा उसके अंदर सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। इस प्रकार से तहसीलदार महोदय ने कहा कि जल्दी ही कार्रवाई होगी। तुम तक न्यूज़ पर विशेष रिपोर्ट।